बहुते पुरान बात बा। एगो गांव में रामू नाम के दूध वाला एगो भैया रहत रहे और ओकरा पास बहुत सारा भैंस रहे। ओकरा के वो बहुत प्रेम करत रहे। भैंस के दूध वो गांव में घूम घूम के बेचत रहे। गांव में ओकर बहुत सम्मान रहे, काहे कि वो बहुते नेक और सरल दिल इंसान रहे और दूध में वो पानियों ना मिलावत रहे। यही से ग्राहक धीरे धीरे बढ़त गए। एक दिन के बाद बा एगो आदमी रामू भैया से दूध मांगलस। अरे रामू भैया, हमरा के दूध मिली? माफ करिया भैया, दूध तो खत्म हो गई। गांव के सब लोग चाहत रहन कि रामू से ही दूध लिहल जाओ। रामू भी सोचलस कि काहे ना अब एगो और भैंस खरीद लिहल जाओ। ऐसन सोच के दूसर दिन रामू बाजार गई। अरे रामू भैया, कैसन बाड़ा? सब बढ़िया। अच्छा बानी सेठ जी, रउआ बताई, ठीक बानी नू? हम तो ठीक बानी, बतावा कैसे आवल भाई? सेठ जी, दूध के ग्राहक बढ़ गई बा, अब दूध पूरा नहीं खे होवत, यही से हम सोचनी कि वो और भैंस खरीद लिहल जाओ। देखा एकरा में कौन सा भैंस पसंद बा, देखला। रामू सब भैंस के देखलस और एगो भैंस पसंद कैलस। उ भैंस हमरा के पसंद बा, ओकर दाम कितना बा? बहुते बारखी नजर बा रामू भैया तुहार। सब भैंस में एगो भैंस पसंद आई और ई भैंस सबसे अधिका दूध देवेली। एकर नाम पारो बा। रामू पैसा दे के पारो के खरीद लेलस और ओहिजा से चल देलस। रामू के गांव जाए में एगो जंगल से गुजरे के पड़त रहे। रामू पारो के लेके वो जंगल से गुजरत रहे कि तबे एगो आदमी लाठी लेके रामू के पास आ खड़ा भइल। ए दूध वाला, रुका, वो आदमी कहलस। अरे भैया, तोहरा के कैसे पता लागल कि हम दूध बेचेली? मूर्ख, अगर तू दूध वाला नहीं खा तो भैंस का आचार डाले ले जात रह। चल भैंस हमरा हवाले करा और दफा हो जाए जासे, न तो लाठी से तोहरा के मार के सर फोड़ देहब। रामू डर गई, फिर कुछ सोचलस। जल्दी कर मूर्ख, हमरा टाइम नहीं खे, भैंस हमरा के दे दे। ठीक बा भैया, ई ल भैंस भी तुहार। रामू के इतना शांत स्वभाव देख के वो आदमी प्रभावित भइल। हा, तू बड़ डरपोक पड़ा, इतना आसानी से हमरा के भैंस दे देला? अरे भैया, लाठी से मार खाए से अच्छा बा कि भैंस ही दे दिहल जाओ, तब भागा ऐजा से, न तब मार पड़ी। रामू थोड़ा सोच के बोललस। भैया तनी सुना ना, हम अपन भैंस तोहरा के दे देनी, हम अगर खाली हाथ घर जाई तो हमार पत्नी हमरा के बहुते मारी। तू अगर हमरा के लाठी दे देवा तो बड़ा आसान हुई। वो आदमी सोचे लागल, तू सच्चे में मंद बुद्धि बाड़ा, ई ला लाठी। रामू जल्दी से लाठी लेलस और कहलस, जल्दी से हमरा भैंस हमरा हवाले कर दे, न तो हम तोहरा सर फोड़ देहब। वो आदमी के अपन मूर्खता समझ में आ गई। जौन लाठी से वो भैंस ले रहे उहे लाठी अब चल गई रहे। चुपचाप भैंस के रस्सी रामू के सौंप देलस और कहलस, अब हम तोहार भैंस लौटा देले बानी, अब तू हमार लाठी लौटा द। रामू जानत रहे कि अगर हम फिर से ओकरा के लाठी लौटौनी तो फिर ही हमरा से भैंस मांगी। रामू बोलस, कौन सा लाठी, कैसन लाठी, भागे जासे, न तो हम तोहार सर फोड़ देहब, भाग जल्दी। वो आदमी घबरा के वजह से भाग जाला। बबुआ, का समझला ई कहानी से? जेकर लाठी ओकर भैंस, तो भाई पसंद आइल नू? ऐसने अच्छा अच्छा और लाजवाब वीडियो देखे खातिर कृपा करके अपन माई बाबूजी से सब्सक्राइब करे खातिर कह ना। हम और भी लाजवाब वीडियो देखे खातिर ला रहल बानी। तब तक खातिर शुक्रिया, फिर मिलब।